नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला आज आप सभी के लिए यूपी एएसआई यानी कि मिनिस्टीरियल में जो सबसे ज़्यादा बच्चों की क्वेरीज आ रहे हैं, पहली तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड है, उससे पहले भी अभी कट ऑफ से है, जबकि मैंने कट ऑफ की वीडियो आपकी बता दी है, ये भी बता दी है कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, इसके बारे में अभी लास्ट में मैं चर्चा एक बार और करूंगा कि सारे के सारे बुलाए जाएंगे या फिर उनका कुछ लिस्ट बनेगा जैसा कि आपके विज्ञप्ति में दिया हुआ था, वो भी चीज़ मैं क्लियर करूंगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं लेकिन मैं क्लियर करूंगा लास्ट में। उससे ज़्यादा जो क्वेरीज आ रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस जो उन्होंने फिल कर दिया है उससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा अगर स्टेनो नहीं दिए तो, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। और तीसरा आपके सर्टिफिकेट का, तो सर्टिफिकेट के लिए अभी डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो तो आप भी आशीष सर ने वीडियो दे दिया है, वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जितनी एएसआई की एसआई की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके प्रश्न होते हैं उन पे सारी वीडियो की एक जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, उससे आज से आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट करेंगे, हम जब भी देखेंगे आपको उसका उत्तर शीघ्र देने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का जो ये सेशन है ये है पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, तो मैं बता दूँ पहली बात कि पोस्ट प्रेफरेंस से आपके सिलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये मत दिमाग में रहिए कि मैंने कुछ भी फिल कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि मैं वहाँ बुलाया जाऊँ डीबी के लिए टाइपिंग के लिए बुलाया जाऊँ, मेरे मार्क्स हों उसके बाद भी मैं बाहर हो जाऊँ अगर मैं स्टेनो ना क्लियर कर पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ प्रेफरेंस के बारे में। ये आपके पास पद हैं, टोटल तीन पद थे, तीन पद में पाँच कैटेगरी थी, जैसे आपका यूपीएसआई मिनिस्टीरियल वाला था, इसमें एक पुलिस की वैकेंसी थी, एक विजिलेंस की थी, है ना, ये सिंपल थी। और इसमें जो आपके विजिलेंस वगैरह होते हैं जैसे सीआईडी टाइप में होते हैं, है ना, आईबी टाइप में, इन सब के होती है। उसमें पुलिस में 295, विजिलेंस में 32। यूपी एएसआई का दूसरा पद जो था वो क्लर्क का था, उसमें भी एक पुलिस था एक विजिलेंस था, 624 और 20 पत्ते। और यूपीएसआई अकाउंट यानी कि आपका जो लेखा वाला है उसके 358, ये लिपिक है और ये आपका गोपनीय है, ठीक है। आपका मैं इसी में अर्हता भी लिख दिया हूँ क्या क्या चाहिए। इसमें आपको स्टेनोग्राफी केवल दो पद में चाहिए था, वो भी किसमें, मिनिस्टीरियल वाले में, है ना, मिनिस्टीरियल वाले में केवल आपको स्टेनो चाहिए। स्टेनो 80 वर्ड पर मिनट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी नए हैं जिनको ये पता ही नहीं है स्टेनोग्राफी होती क्या है। इसमें आप ऐसे समझिए कि आपको डिक्टेशन किया जाता है, डिक्टेट किया जाता है, श्रुत लिपि लिखित बोलते हैं जिसे, है ना, डिक्टेट किया जाता है। सामने आपका टीचर होगा, हॉल में कई सारे बच्चे बैठे होंगे, वो टीचर बोलेगा, एक मिनट में 80 वर्ड बोलेगा, उस 80 वर्ड को आपको अपने लैंग्वेज में अपने कोड में लिखना होता है जिसे स्टेनो लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, उसके बाद उसी से आपको टाइप करना होता है, कंप्यूटर में उतारना होता है, वो उस पूरी प्रक्रिया को स्टेनोग्राफी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त एक अलग से टाइपिंग होगी जो सारी टाइपिंग सेम है, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की मंगल इंस्क्रिप्ट पे होगी और इंग्लिश की 30 वर्ड की होगी। इंग्लिश में किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है, केवल हिंदी में, वो भी मंगल इंस्क्रिप्ट मांगा है। सेम ऐसे आपका विजिलेंस वाले में होगा, ध्यान दीजिएगा इसकी टाइप, इसमें केवल क्लर्क वाले में केवल टाइपिंग है और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जबकि अकाउंट के लिए और अकाउंट के लिए जिनके पास अकाउंट वाली डिग्री होगी वही कर पाएंगे और यहाँ पे मिनिस्ट्रियल वाले में जिसमें जिनको स्टेनो आएगा वही कर पाएंगे, जबकि इन दोनों पद के लिए सभी बच्चे एलिजिबल हैं, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी फाइनल इसी में जाएगा, ये बात भी क्लियर है। अकाउंट वाले में टाइपिंग केवल हिंदी की है, इंग्लिश की टाइपिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा केवल हिंदी है और वो भी केवल 15 वर्ड पर मिनट है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। आते हैं हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। अब जब आपने पदों को समझ लिया है, उनकी वैकेंसीज को समझ लिया है, तो ये भी अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कौन सा पद जल्दी भरा जाना था, ऊपर भरा जाना था। सॉरी, इसके लिए आशीष सर ने आपकी अलग से वीडियो भी बनाई थी कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस में भरा जाए, आपने वो वीडियो देखा होगा तो सही प्रेफरेंस भरा होगा। उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे जिनको तक वो वीडियो नहीं पहुँच पाई या जो टीम से चैनल से बाद में जुड़े, प्रेफरेंस नहीं पता चल पाए, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, तो वो जो गलतियां किए हैं उनका जो केसेस हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, हाँ, ये मैंने चार कैटेगरी बनाया है, चार बच्चों की कैटेगरी ली है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए है, कोई स्टूडेंट बी है, कोई स्टूडेंट सी है और कोई स्टूडेंट डी है। सपोज करो कि स्टूडेंट ए ने जो अपनी प्रेफरेंस भरा था वो सबसे पहले यूपीएसआई पुलिस भरा था, उसके बाद यूपीएसआई विजिलेंस भरा था, उसने उसके बाद एएसआई क्लर्क भरा था, उसके बाद एएसआई विजिलेंस भरा था, उसके बाद अकाउंट का भरा था, है ना। कारण क्या था कि इसके पास हो सकता है कि अकाउंट की डिग्री ना हो तब भी ये कर दिया हो, जिसके पास अकाउंट की डिग्री नहीं रहा होगा वो इस पोस्ट को भरा ही नहीं होगा, ये भी उतनी ही बात सही है। आर्ता में केवल तीन ही पद लेते हैं, तीन पद मतलब एक ये और एक ये, ऐसा लेता है, बाकी वो अलग से नहीं लेता है, ठीक है ना, वो तीन मानता है, तीन
टॉप तीन प्रेफरेंस को देखता है, बाकी दो प्रेफरेंस को उतना ध्यान से नहीं देखता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे पांचों है, तो फॉर्म में आपने भरा होगा तो ध्यान होगा पांचों भरे हैं कि तीन भरे, मुझे इतना आइडिया नहीं, इतना याद भी नहीं है कि तीन का ही मांगा था या पांच का मांगा था, वो मुझे बता दीजिएगा। तीन का ही मांगा होगा तो हम तीन कंसिडर करके चलेंगे, टॉप थ्री कंसिडर करके चलेंगे, पांच का मांगा होगा तो पांचों के पांचों हम कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, अभी हम लेके चलते हैं, अभी कंपैरिजन लेके चलो कि मान के चलो कि ये जो सी वाला स्टूडेंट है, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने यूपीएसआई पुलिस को पहले प्रेफरेंस दिया, ये अकाउंट का बच्चा है और इसने अकाउंट को दूसरे नंबर पे डाला। कारण क्या है यूपीएसआई पी और वी को पहले भरने का, पी फॉर पुलिस वी फॉर विजिलेंस। ठीक है, कारण इसका यह है ऊपर भरने का क्योंकि इसका जो मानदेय है ना, इसकी जो सैलरी है वो ज्यादा है और ये कहीं ना कहीं एसआई है और ये आपका एएसआई है, यहाँ पे दो स्टार है यहाँ पे एक स्टार है, इस कारण से बच्चे इसको प्रेफरेंस ज्यादा दिए हैं। अगर उनको स्टेनो की भी स्किल आती है तो मिनिस्ट्रियल के पद का, जिन्हें स्टेनो नहीं आता होगा, अकाउंट का बच्चा होगा, वो अकाउंट को ऊपर रखा होगा, वो इसमें आया होगा, वो पहले अकाउंट का रखा होगा उसके बाद यूपीएसआई पी और वी को रखा होगा कि चलो लास्ट तक हम स्टेनो सीख लिए होंगे, क्योंकि पांच महीने पहले फॉर्म आया था, आज एग्जाम हो रहा है, लगभग मई में एग्जाम आया था, सात महीने हो रहे हैं, सात महीने काफी समय होते हैं स्टेनो सीखने का अगर बच्चा डेडिकेटेड है तो। उसके बाद वो क्लर्क का भरा होगा, क्लर्क का सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पे होनी है और मानदेय भी इसका अकाउंट के बराबर है, ये समझिएगा। ऐसे ही हम एक बच्चे को बी को मान लेते हैं जो ये और ये सेम है, लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे केस एक ऐसा बनेगा कि एक को स्टेनो आती है, एक को स्टेनो आते हुए भी फेल हो जाए या स्टेनो न देने जाए या स्टेनो नहीं आती है, ऐसा केस लेके चलेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि सपोज करो कि कोई बच्चा है, मतलब ए बी सी और डी है और सभी ने 140 अंक प्राप्त किए, सभी के सभी क्या हुए 140 अंक प्राप्त किए। अभी मार्क्स के हिसाब से तो चारों के चारों स्टूडेंट बराबर है, है ना। एक बात समझिएगा, अगर किसी का मार्क्स ज्यादा होगा, किसी का मार्क्स ज्यादा होगा, सपोज करो कि इनमें से कोई सभी 140 बच्चे आए हैं, कोई बच्चा ई आता है जिसका मार्क्स 145 है, या चलो ना 145 ले लें, हम 141 ले लें, तो ये 141 स्कोर करके मार्क्स बोल लो या क्वेश्चन बोल लो, मार्क्स की बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगर ये 141 क्वेश्चन सही कर रहा है, बाकी सब 140 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो 141 क्वेश्चन सही करने वाला इन सबसे ज्यादा अच्छा है और ये जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरा होगा पहले उसे ही अपना पोस्ट मिलता चला जाएगा, इन लोग को बाद में देखा जाएगा। तो जिन सबसे पहले जो पोस्ट डिवाइड किया जाएगा वो देखा जाएगा मार्क्स किसके ज्यादा है, और इन केस कभी स्टूडेंट के मार्क्स बराबर हो गए तब समस्या आती है, और समस्या ऐसे नहीं आती है, वहां पे भी देखिए फिर पोस्ट प्रेफरेंस रोल क्या प्ले करता है ये देखते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं कंपैरिजन को ए और सी को, इसको चलो पहले हम ए और डी के कंपैरिजन को ले लेते हैं, ए और बी के कंपैरिजन को ले लेते हैं, एक केस उठाते हैं ए और बी का जहां पे दोनों के प्रेफरेंस के आप देख पाओगे सेम है, ये भी यूपीएसआई पीवी फिर एएसआई क्लर्क पीवी और फिर अकाउंट, ये भी यूपीएसआई पीवी फिर क्लर्क पीवी फिर अकाउंट, ऐसे भरा हुआ है, दोनों के मार्क्स भी सेम है, सपोज करो दोनों के मार्क्स भी सेम है, ये ए भी 140 पा रहा है और बी भी 140 पा रहा है। अब समझिएगा अंतर कहां पे आएगा, सपोज करते हैं कि जो ए वाला बच्चा है वो स्टेनो देता है और स्टेनो में पास हो जाता है, अगर ए वाला बच्चा स्टेनो दिया और स्टेनो में पास हो गया और कट ऑफ स्टेनो की कहीं ना कहीं 125 126 जा रही है, क्वेश्चन फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, तो इस बच्चे को कंफर्म है कि स्टेनो मिल जाएगा, मतलब इस पद पे वो जो हाईएस्ट होगा वो सिक्योर कर लेगा, बात समझ में आ रही है। दूसरा केस बी है, बी सपोज करो कि स्टेनो देने जाता है, सपोज करते हैं स्टेनो देने जाता है लेकिन वो फेल हो जाता है, तो सबसे ज्यादा बच्चा यहीं पे कंफ्यूज है कि कहीं हम स्टेनो देने गए और फेल हो गए, तो ऐसा तो नहीं कि हमें बाकी कोई भी पद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेनो में यहां पे फेल हो जाते हो तो प्रेफरेंस के हिसाब से आपके पास तीन पद और है, पहला क्या है एएसआई क्लर्क है, दूसरा है एएसआई क्लर्क वी और तीसरा आपका है अकाउंट। सपोज करो कि आपके पास अकाउंट की भी डिग्री नहीं है तो आप इसके लिए भी नहीं हो गए एलिजिबल, आपके पास केवल दो पद हैं। इस बी वाले बच्चे की बात कर रहा हूं जो ए के मार्क्स के बराबर है, अब इसका मार्क्स तो काफी ज्यादा हाई है, 140 ही है ना, इवन स्टेनो वगैरह का इसका तो और कम जाएगा, 110 115 105 भी जा सकता है, वो हम जनरल केस कट ऑफ वाले वीडियो में डिस्कस किए थे उसे आप देख लीजिएगा। तो 140 मार्क्स तो इसके ज्यादा है, स्कोर इसके ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा सही हो रहे हैं, तो इससे भले ही यहां पे फेल हो जाए उसे क्या मिल जाएगा, एएसआई क्लर्क का क्या मिल जाएगा, पुलिस का मिल जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगर ये वी को पहले भर दिया होगा तो उसे क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा, मतलब उस नंबर पे जो आप जिस पे एलिजिबल हो वो आपको पहले मिल जाएगा, आप इसमें क्वालिफाई करो ना करो। हो सकता है कि आप यहाँ पे स्टेनो पे फेल हो गए, आप यहाँ की टाइपिंग भी ना क्लियर कर पाओ और आपके पास अकाउंट की डिग्री है, समझिएगा
आपके पास अकाउंट की डिग्री है, आप यहां भी फेल हो गए, यहां भी फेल हो गए, अकाउंट की डिग्री है और आप 15 वर्ड पर मिनट टाइप कर लिए। भाई 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 15 वर्ड पर मिनट आपको मंगल स्क्रिप्ट में टाइप करने में बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं आएगी, समय पर्याप्त रहेगा। तो आपके 140 नंबर है और अकाउंट की कट ऑफ बहुत नीचे जानी है, तो आप क्या कर जाओगे, आप अकाउंट पा जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन आप ज्यादा सही करते हो। प्रेफरेंस में आपका ये नहीं कि आप बाहर हो जाओगे, किसी में फेल हो जाते हो इसका मतलब नहीं है कि आप बाहर हो जाओगे, आपको वो पद नहीं मिलेगा जो आपने पहले प्राथमिकता पे चुना हुआ है, आपको दूसरा मिल जाएगा, ये समझिएगा। दूसरा केस हम लोग लेते हैं ए और सी का। ए और सी में देखते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं, ए और सी के केस को देखते हैं। सपोज करो कि ये भी 140 है और ये भी 140 है, ठीक, ये भी 140 क्वेश्चन कर रहा है, ये भी 140 क्वेश्चन कर रहा है। अब इसका भी यूपीएसआई पीवी है, इसका भी यूपीएसआई पीवी है, इसका एएसआई है यहां पे, लेकिन ये बीच में अकाउंट डाल रखा है, ये मान लो अकाउंट होल्डर बच्चा है, इसके पास बीकॉम वगैरह की डिग्री है, ठीक है, अकाउंटेंट की कोई डिग्री है इसके पास। अब हो सकता है कि यहां पे अगर ये स्टेनो भी दिया, स्टेनो क्लियर कर लिया, ये भी स्टेनो क्लियर कर लिया, तब तो भाई इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा। अब यहां पे जब तक वैकेंसी है, जैसे आपने देखा कि यूपीएसआई जो पी की वैकेंसी है 295 पद है, 295 पद है और 295 पद में ये लोग एक से दो, दो सीट इनको अलग अलग चाहिए, तो अगर सीटें ज्यादा खाली है तो इसे भी पी मिल जाएगा, इसे भी पी मिल जाएगा। लेकिन सपोज करो कि 294 सीटें फिल हो गई हैं, अब ए और सी 295 सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं सेम नंबर पे, 140 पे। अब यहां पे केस क्या बनेगा, यहां पे जो केस बनेगा वो ये होगा कि भाई जब आपके मार्क्स भी बराबर हैं, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भी बराबर है, तब देखा जाएगा आपकी अधिमानी अर्हता। वहां पे एक पोस्ट, एक पॉइंट है अधिमानी अर्हता कि किसी के पास ओ लेवल हो, किसी के पास बी लेवल का सर्टिफिकेट हो, एनसीसी वगैरह हो, है ना, या फिर कोई साइंस ग्रेजुएट हो, ऐसे ऐसे वो फिल्टर करता जाएगा। तो जिसके पास अधिमानी अर्हता होगी वो क्या होगा, उसे पद मिल जाएगा, और ऐसा नहीं फिर दूसरे वाले को कुछ नहीं मिलेगा, उससे क्या हो जाएगा, उसे ये वाला पद मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे बी और ए और बी, ए और सी दोनों बराबर हैं, मार्क्स भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन से के पास अधिमानी अर्हता में आगे चला जाता है, ठीक है ना, जो अधिमानी अर्हता होता है उसमें आगे चला जाता है, तो सी को तो ये मिल जाएगा, सी को पी अलॉट हो जाएगा, लेकिन ए को क्या अलॉट हो जाएगा, बी अलॉट हो जाएगा, फिर ये वाला पद नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपको मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पोस्ट ना मिले, कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा, बस आपको प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं मिलेगा। ये रहा ए और सी का केस, ठीक है। अभी हम लोग एक वर्स्ट केस लेते हैं कि कोई अकाउंट अकाउंट वाला बच्चा है जिसके पास अकाउंट की डिग्री है और उसका स्कोर ज्यादा हो। यहां पर यह दिक्कत समझ में आ जाएगी। सपोज करो कि कोई अकाउंट वाला बच्चा हो और उसका स्कोर ज्यादा हो और उसने टॉप पे क्या भर दिया है, टॉप पे कुछ ऐसा यूपीएसआई पी या वी भर दिया है। बात समझिएगा, यूपीएसआई पी या वी भर दिया है, या फिर ऐसा हम ले लें कि यूपी एएसआई एएसआई प्लस भर दिया है, फिर एएसआई विजिलेंस भर दिया है, फिर एसआई, है ना, यूपीएसआई जो है ये पी भर दिया है, फिर यूपीएसआई विजिलेंस भर दिया और इसके बाद अकाउंट भरा है, और इसके बावजूद इसके कितने हैं, 140 मार्क्स हैं। सपोज करो 140 मार्क्स हैं, ज्यादा नंबर है, तो अगर ये क्या होगा, 140 एएसआई की कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगी स्टेनो से और अकाउंट से ज्यादा जाएगी, और ज्यादा जाएगी और इसके स्कोर भी ज्यादा है। सपोज करो ये 150 वाला बच्चा, स्कोर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा स्कोर है। अब ये अकाउंट है या फिर यूपीएसआई है, है ना, और इसे स्टेनो भी आती है, सपोज करो कि ये स्टेनो भी आती है, तो यूपीएसआई की पुलिस और विजिलेंस वाली तो ज्यादा वेतनमान वाली पद है, लेकिन एएसआई कम वेतनमान वाली पद है और उसके स्कोर भी ज्यादा है और उसने प्रेफरेंस में एएसआई पी भरा है, तो उसे क्या अलॉट हो जाएगा, एएसआई पी अलॉट हो जाएगा, उसे ये अलॉट नहीं होगा। तो उसका नुकसान इतना होगा कि अगर वो स्टेनो भी क्लियर कर लिया तो उसे क्या मिलना था, यूपीएसआई का यूपीएसआई मिलना था मिनिस्ट्रियल में, पुलिस या विजिलेंस में, जो ज्यादा वेतनमान वाला ज्यादा अच्छा पद था, डबल स्टार था, जबकि उसे क्या मिल गया, उसे क्लर्क मिल गया, तो ज्यादा स्कोर पाने के बाद भी उसे कम मिल गया, ये गड़बड़ हो जाएगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि उसने पोस्ट प्रेफरेंस में भरने में गलती की है, वहां पर दिमाग नहीं लगा पाया है, ये वर्स्ट केस है। बात समझ में आ रही है? तो केवल यहां पर चिंता करने वाली बात है कि कोई
जिसके पास सब कुछ है और अपने स्कोर भी ज्यादा है, उसके बावजूद भी अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से और अपने टैलेंट के हिसाब से अपना पद नहीं पा रहा है, बस इतना है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, ये बात समझिएगा। एक केस हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, एक केस डिस्कस कर लेते हैं अकाउंट वाले बच्चे के साथ। ये डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज करिए, ये मैंने पेपर में लिख के लाया था कि एक 105 नंबर पा रहा है, मार्क्स अलग अलग हो, और एक सपोज कर लो 110 या 106 नंबर का ले ले, है ना, कोई दो स्टूडेंट है, एक 105 पा रहा है, 106 पा रहा है, और दोनों का एक जो प्रेफरेंस है, सपोज करो एक का अकाउंट भर दिया पहले, फिर दूसरे पे यूपीएसआईपी भर दिया, फिर यूपीएसआईए भर दिया, वी भर दिया, फिर एएसआईएपी भर दिया, फिर एएसआईबी भर दिया, और दूसरा जो 106 वाला है वो मान लो क्या कर दिया, एएसआई का पी भर दिया, फिर एएसआई का वी भर दिया, उसके बाद यूपीएसआई का पी भर दिया, फिर यूपीएसआई का वी भर दिया, और उसके बाद अकाउंट भर दिया। यहां पे देखते हैं, है ना, ये एएसआई है, एएसआई का पी। अब लड़का क्या है, अकाउंट वाला है, और ये कौन सी पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, समझिएगा। इसके मार्क्स भी ज्यादा हैं, मार्क्स ज्यादा हैं, तो इससे तो ज्यादा इसे प्रेफरेंस देनी चाहिए। ये कम नंबर ला रहा है, अकाउंट का लड़का ये भी है, अकाउंट का लड़का ये भी है, और अकाउंट वाले लड़के के लिए क्लर्कियल पोस्ट से अकाउंट की पोस्ट ज्यादा अच्छी है। कारण क्या है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों के वेतनमान सेम है, और अकाउंट वाला पद उसके उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से है, और थोड़ा बैठ के अच्छी वाली जॉब भी है अकाउंटेंट की, देखा जाए थोड़ा ज्यादा रेस्पेक्ट भी है, देखा जाए तो उसके हाथ में सबकी सैलरी स्लिप भी होती है, तो नंबर इसके ज्यादा है। लेकिन इसने पोस्ट प्रेफरेंस में एएसआई को पहले भर दिया, यूपीएसआई को बीच में भर दिया, और इसे मान लो स्टेनो क्लियर कर लेता है या नहीं क्लियर कर लेता है वो डिफरेंट थिंग है, क्लियर कर लेता है तब तो मिल जाएगा, नहीं क्लियर कर पाता है तब तो ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा, फिर उसे अकाउंट मिल जाएगा तब तो सही है। लेकिन स्कोर सपोज करो अच्छा है, यहां पे कोई सपोज कर लो कि ये 150 है और ये मान लो 151 है, स्कोर दोनों के अच्छे हैं, अब ये क्या करेगा, इसने ज्यादा स्कोर लाके अकाउंट सेलेक्ट किया, तुरंत इसे अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन इसके स्कोर ज्यादा है और बाकी एएसआई के बच्चों से भी स्कोर ज्यादा है, तो इसे तुरंत एएसआई मिल जाएगा, इसे अकाउंट नहीं मिलेगा, ये समझना है। तो ये डिपेंड करता है पोस्ट प्रेफरेंस के, आपने कैसे चूज किया है, बस बाकी ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहीं लिखा है, ना ही ऐसा होता है। पोस्ट प्रेफरेंस मतलब आपके उस पर्टिकुलर मार्क्स पे आपको कौन सा मनचाहा पद चाहिए, आपने जो भी पद भर दिया वही मिलेगा, अब उसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। कुछ जो होते हैं आयोग होते हैं वो बाद में प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन देते हैं, या जब उनका क्या होता है सिलेक्शन देना होता है, फाइनल लिस्ट बननी होती है, तब वो प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बारे में क्लियर नहीं है कि वो देगा या नहीं देगा, तो इसके बारे में अभी हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग, एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे, लास्ट में मैं ये बताता चलूं, सबसे ज्यादा बच्चे ये परेशान हो रहे हैं कि जो विज्ञप्ति आई थी, जो नोटिस आई थी, उसमें ये लिखा था कि जो डीबी है और स्टेनो और टाइपिंग के लिए, स्टेनो और टाइपिंग के लिए मेरिट के अनुसार बच्चे बुलाए जाएंगे, है ना। और आपने ये देखा कि हम लोगों ने कट ऑफ वाली वीडियो में साफ साफ बताया है कि जो भी क्वालिफाई हो रहे हो वो सभी लोग बुलाए जाओगे। अभी आप समझिएगा, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, मेरिट भी अगर बनेगी, पहली बात तो जब विज्ञप्ति बनती है, विज्ञप्ति लिखता है, तो उसमें ये होता है केस लेके चला जाता है कि बहुत ज्यादा फॉर्म भर गए, तो अभी कितने बच्चे एग्जाम दिए, लगभग 45,000 बच्चे एग्जाम दिए, ये ज्यादा मात्रा नहीं है। अभी ये 4,500 की जगह 4.5 लाख होते तब बिल्कुल मेरिट बनता, तब आयोग के पास कोई ऑप्शन ही ना होता बिना मेरिट बनाए हुए। लेकिन यहाँ पे 45,000 बच्चे केवल एग्जाम दिए हैं, जिसमें से 25-30% ही बच्चे केवल क्वालिफाई होने हैं। भाई अगर 1329 पद है, इसमें मिनिमम 10 गुना तो बुलाएगा ही, क्योंकि टाइपिंग और स्टेनो में 50-50% बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो वैकेंसी फिर से खाली चले जाएगी, ऐसा होना नहीं है। इस बार पिछली बार इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, तो करीबन 13,290 पद तो वैसे हो गए, और पासिंग क्वालिफाई करने वाले बच्चे भी 13,000, मैंने आपको दिखाया था ना 14,000 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे। तो चाहे आप 10 गुना मेरिट बना लो, और चाहे आप यहां पे बोल दो सीधा 14,000 बच्चे जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं सब बुला लिए जाएंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि आपको कोई यहां पे बहकावे में रख रहा है कि जो क्वालिफाई कर रहा है वो सब बुलाए जाएंगे। अंततः आप देखिएगा, चाहे मेरिट बनाए, चाहे हालांकि जो इससे पहले एएसआई वाली वैकेंसी हुई थी उसमें जितने थे सबको बुला लिया गया था, इससे पहले भी
और पहले जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे उसमें सब बुलाया गया था, इससे जो जस्ट अभी कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ उसमें क्या हुआ था, गेजेट में यही था कि सब बुलाए जाएंगे, लेकिन क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग वही ये बोला है कि जितने पद हैं उसके सापेक्ष अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तब मेरिट बन जाती है, लिस्ट बनाई जाती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो उस वाले कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या कर लिए थे, लिस्ट बना लिए थे लास्ट में जाके। तो इसमें परेशान नहीं होना, इसमें इतने ज्यादा बच्चे नहीं है, जितने क्वालिफाई हो रहे हो वो सब लोग। और अगर सपोज करो ये 13,290 ही बुलाते हैं और पासिंग वाले 15,000, 17,000, 18,000 होते हैं तो भी 82-83 क्वेश्चन सही करने वाले सब बुला लिए जाओगे, तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। स्टिल मैं फिर से बोलूंगा, सभी लोग टाइपिंग करो, सभी लोग स्टेनो करो, सभी लोग अपने डीवी को अच्छे से, जो अपने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स हैं उनको अच्छे से आप करते रहो। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, उस प्लेलिस्ट में ESI से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, पहले आप वीडियो देख लीजिए। हजारों की संख्या में आप कॉल करते हो, हजारों की संख्या में आपके व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, है ना, कमेंट्स होते हैं, टीम को दिन रात लगी हुई है आपके रिप्लाई, आपके कॉल होल्ड करने में, बाकी सारे काम बंद कर दिए गए हैं आपके ही खाते। हम भाई मैं इस समझिएगा, एक मिनट आपका समय लूंगा, मैं चाहता तो मैं यूपीपी का वैकेंसी निकाल देता, पढ़ाना शुरू कर देता, मेरे पास एडमिशन आना हो जाते। आप लोग कोई बात समझते नहीं हो कि टीम आपके लिए कितना डेडिकेटेड है। मैं इसकी वैकेंसी निकाल दूं और मैं पढ़ाने लगूं, मैं एडमिशन लेने लगूं, मुझे क्या मतलब है भाई। मैंने आपका एग्जाम करवा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने क्वेश्चन फंसा दिया, मैंने सब कुछ करवा दिया, अब मैं आपके लिए वीडियो क्यों बनाऊं, अब मैं आपके फोन कॉल्स क्यों उठाऊं, क्यों मैं उसके रिप्लाई दूं। मैं नया बैच चलाऊं, मैं लेखपाल का बैच चलाऊं, कंप्यूटर ऑपरेटर आ रही है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच चलाऊं, सब लोग पैसा कमा रहे, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूं भाई। मैं पागल यहां पे बैठा हूं क्या, मुझे भी तो बिजनेस आता है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। कि चलो बच्चों की अभी इस समय पीक पे क्वेरी है, उनको पहले देख लिया जाए, बाद में हम लोग कुछ देख लेंगे। फिर भी आप लोग को समझ में ये बात नहीं आती है। चलाएंगे इसके बैच भी चलाएंगे, हालांकि आप अभी एप्लीकेशन पे जाओगे ना तो इसके बैचेस लॉन्च हैं, लेकिन हम लोग बता नहीं रहे हैं कि आप लोग भटको मत। फिर भी किसी को यूपीपी का या लेखपाल का या कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच परचेज करना है तो कल से वो बैच परचेज कर सकता है ऐप पे जाके, है ना। लेकिन भैया एक दो दिन का हमें मौका दे दो कि हम इन ESI वाले बच्चों का क्या कर दें, यहाँ पे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दें। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।